कम से कम आप थर्ड डिवीजन भी अगर पास है ना, इंटर में भी या ग्रेजुएशन में भी, फिर भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। डिग्री से नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिहार दरोगा का। इंग्लिश में पूछता ही नहीं है तो हमें तैयारी क्यों करना है, फालतू का हम तैयारी क्या करें। हाँ, ज्ञानी बनना है तब तो फिर आप महाभारत, रामायण, गीता सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम मांगता है वो बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों का सिलेक्शन भी हो पाता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़, महंगाई भत्ता हो गया उसका, उसके बाद मेडिकल जो चार्ज होता है उसको लेकर के, उसके बाद राशन चार्ज हो गया उसको लेकर के, सब जोड़ करके आपको लगभग 42,000 रुपया ट्रेनिंग पीरियड में दिया था, जो किसे नहीं करना है। आपको जीवन यहाँ गुजार है, तो इसके बारे में आपको सब चीज पता होना चाहिए कि आपका जीवन कहां गुजरने वाला है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, और आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में हम लोग बेसिक से लेकर के इंड तक की जानकारियां लेंगे। अगर आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं बिहार दरोगा का, यानी आप वैसे छात्र हैं जो कि बिहार दरोगा का तैयारी बहुत ही मन से कर रहे हैं, या भविष्य में इसका एग्जाम आप देने वाले हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा क्या क्या किए हैं, सबसे पहले उसको हम बता देते हैं कि बिहार दरोगा के इस वीडियो में सबसे पहले चर्चा किया गया कि 12th पास वाले कैंडिडेट, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 12th पास करते हैं और चाहते हैं कि हमें पुलिस का जॉब ले, मतलब दरोगा का जॉब ले, तो उनको क्या करना चाहिए अभी से। उसके बाद बात करेंगे जो भी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मतलब बैचलर डिग्री जो भी ले चुके हैं, बीए कर चुके हैं, बीकॉम, बीएससी कर चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए बिहार दरोगा की तैयारी के लिए। उसके बाद बात करने वाले हम लोग कि न्यू बॉय एंड गर्ल, मतलब कि जो भी नए छात्र होते हैं जो कि अभी नए नए कंपटीशन में आए हैं, सब कुछ करके बैठ गए, इंटरव्यू पास कर लिए हैं, बीएससी भी कर लिए हैं, उसके बाद उनको क्या करना चाहिए बिहार दरोगा की तैयारी के लिए, ये सब पॉइंट जो कि आप लोग के द्वारा पूछा गया था कमेंट के माध्यम से मेरे वीडियो पे। उसके बाद आजकल के युवाओं में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पनपता है, इसको हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके बाद और सभी पॉइंट जो कि बिहार दरोगा से संबंधित है, क्योंकि इस जॉब को, बिहार दरोगा के जॉब को हम बोल सकते हैं आजकल ये युवाओं की पसंद भी बन चुका है। बहुत सारे युवा मतलब चाहते हैं कि हम दरोगा बन जाए, मतलब पुलिस की जॉब आजकल बहुत ही ज्यादा मार्केट में मांग हो रही है, क्योंकि इसका वैकेंसी बहुत ज्यादा मतलब स्तर पे निकाला जा रहा है, इस कारण से भी इसका मांग बढ़ चुका है। तो उसी की तैयारी करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, किस तरीका से आपको तैयारी करना चाहिए, और अभी जो स्थिति में आप हैं क्या सुधार आपको करना चाहिए, वो सभी बातों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो कि आपको ये भी इसलिए भी समझना जरूरी है कि आपके आगे आने वाली पीढ़ी, मतलब आपसे जो छोटे हैं उनको भी आप ये सहायता कर सके, ये नॉलेज उनको भी आप दे सके। क्वेश्चन जो आप लोग का डाउट होगा, उसके बाद एग्जाम के बारे में, इसका एग्जाम आयोग कौन सा है, आयोग इसका एग्जाम लेता है, क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन आपको इसमें चाहिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका एज के बारे में, उम्र क्या है इसका, इसके बाद कौन से अदर स्टेट के लोग भी इसको भरते हैं उसके बारे में भी कुछ हम बात करने वाले हैं। तो जितने भी लोग आप लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा का एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, तो आप लोग को ये वीडियो पूरा अंत तक देखना चाहिए। उसके बाद बात करने वाले एग्जाम का सिलेबस पे, मतलब इसका रिटर्न एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है, कितने क्वेश्चन कहां से और कैसे पूछे जाते हैं, क्या आपको करना चाहिए उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में। फिर इसका सेकेंड फेज जो होता है, मतलब पीटी और मेंस में जो एग्जाम होता है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। फिर फिजिकल पे बात करने वाले हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में, मेडिकल के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग का मेरिट लिस्ट बनता है, उसके बाद ट्रेनिंग का जो होता है प्रोसेस उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग का पैसा कितना मिलता है, मतलब सैलरी आप लोग का क्या होता है, ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है आप लोग में, और बहुत ज़्यादा युवा इससे इंटरेस्टेड भी होते हैं कि दरोगा तो बन जाएंगे लेकिन हमको सैलरी कितना मिलेगा, कितना हमारा कमाई होगा उस समय में, ये भी आपको हम समझाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। मतलब ये ऐसा वीडियो होने वाला है कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि आपको किसी और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी वीडियो की जरूरत आपको पड़ती भी है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम ही उस वीडियो को आपके लिए जरूर बना देंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, और ये जो क्वेश्चन होगा हमारे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उसका ये बहुत सारा कमेंट हमारे वीडियो पे आते रहता है कि हम भैया आईएससी पास कर चुके हैं, इंटर हम पास कर चुके हैं, उसके बाद हम चाहते हैं कि बिहार दरोगा का तैयारी करें बहुत ही डेडिकेटेड रूप से और एक ही अटेम्प्ट में उसको हम क्वालिफाई करें, तो हमें अभी से क्या करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा सोच है आपका, अगर अभी से आप करते हैं तो आपके पास बहुत लंबा समय बन जाता है तैयारी करने के लिए, और जब आप बैठते हैं फर्स्ट बार एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पाएंगे, जो कि और लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो तैयारी तब करना शुरू करते हैं जब वो फॉर्म भर चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको अभी से नहीं करना। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हम अभी से तैयारी करें तो आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आप हैं आईएससी में या आईएससी आप पास कर चुके हैं, तो अब आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, क्योंकि आपको पता होगा इसका फॉर्म जो है ग्रेजुएशन के बाद भरा जाता है, यानी कि बैचलर डिग्री जब आपके पास आ जाता है उसके बाद आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करने का तो कोई समय होता नहीं है।
कभी से भी आप इसका तैयारी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने से पहले आप ध्यान रखें कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ग्रेजुएशन को आपको पढ़ना है कि नहीं। बहुत सारे ऐसा कॉलेज होता है कि जो कि मतलब प्रेशर देता है कि आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, जिस भी सब्जेक्ट को लिए हैं, जिस भी ऑनर्स को आप लिए हैं, उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक क्वालिफाई नहीं करते हैं अपने सब्जेक्ट में तब तक तो आप फेल माने जाएंगे, और फेल माने जाएंगे तो इस फॉर्म को आप भर नहीं सकते हैं। कम से कम आप थर्ड डिवीजन भी अगर पास है ना, इंटर में भी या ग्रेजुएशन में भी, फिर भी आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। डिग्री से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके डिग्री पास होना चाहिए, इंटर का हो ग्रेजुएशन का हो साथ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जो होता है आपको यहाँ पे समझना हो कि जब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आप ऐसा सब्जेक्ट को लीजिए जो कि आपके लिए उपयोगी है, अगर आप पढ़ते हैं तो। ऐसे बिहार की स्थिति क्या है पढ़ाई में वो तो हमको पता है कि कैसे यहाँ डिग्री दी जाती है, वो सबको पता है, लेकिन ऐसा कोई कोई कॉलेज है जो कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा, तो आप इसी से संबंधित मतलब इसका जो सिलेबस है, सिलेबस अभी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या इसे पूछा जाएगा, तो इसी से संबंधित आप सिलेबस को लें ताकि मतलब पढ़ने में और आसानी हो, वहां से क्वेश्चन और भी आसान से बने। मतलब कि आपको कहना ये चाहते हैं कि आप यहाँ पे आर्ट्स को चुने, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट जब चुनने के लिए आपको आएगा तो आर्ट्स चुन सकते हैं, साइंस चुन सकते हैं, कॉमर्स चुन सकते हैं, तो आप तीनों में से कोई भी चुन लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आप भर सकते हैं, कभी भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट हो आगे चल के, तो आप आर्ट्स का टॉपिक लीजिए, वहाँ पे उसके बाद आप वहाँ पे ऑनर्स में जो है हिस्ट्री को रखिए, ज्योग्राफी को रखिए, पॉलिटी को रखिए, तो और भी ज़्यादा आसान होगा। आप वहाँ पे 3 साल जो पढ़िएगा ग्रेजुएशन में वही यहाँ भी मैच करेगा, तो बहुत आसानी से आपका तैयारी हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना तो है ही नहीं ग्रेजुएशन में, तो आप कुछ भी ले लीजिए, कॉमर्स से करिए, आर्ट्स से करिए या साइंस से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आप वहां पे पास कर जाइए, ठीक है। तो ये चीज जो है अभी से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट को चुनिएगा, आपको सिलेबस ध्यान में रहना चाहिए कि इसका पीटी में क्या पूछता है, इसका मेंस में क्या पूछता है, ताकि कभी भी हम तैयारी करना शुरू करें तो सिर्फ ये पढ़ें और ये पढ़ के हमको जॉब लेना है। इंग्लिश आपको नहीं पढ़ना है, इंग्लिश आपको ध्यान नहीं देना है, इसमें इंग्लिश पूछता ही नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं बिहार दरोगा का, इंग्लिश में पूछता ही नहीं है, तो हमें तैयारी क्यों करना है फालतू का, हम तैयारी क्या करें। हाँ, ज्ञानी बनना है तब तो फिर आप महाभारत, रामायण, गीता सब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम मांगता है वो बहुत ही कम लोग पढ़ पाते हैं, इसलिए बहुत कम लोगों का सिलेक्शन भी हो पाता है, ठीक है। बहुत सारा चीज आप लोग को पढ़ना जरूरी नहीं है, तो इसीलिए तो ये लगातार युवाओं की पसंद भी बनते हैं। युवाओं की पसंद बनने का एक और कारण है कि इस वैकेंसी को जो है लगातार कंडक्ट करवाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, तो ये भी चीज जो है भरोसा दिलाता है युवाओं को कि हाँ, यहाँ पे नौकरी मेरा कंफर्म है, मतलब तैयारी करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांस होता है कि नौकरी लग जाए। एनटीपीसी का आप हालत देख रहे हैं, ग्रुप डी का आप हालत देख रहे हैं, एसएससी की जितनी वैकेंसियां हैं उसका आप हालत देख रहे हैं कि किस तरह से उसको डिले किया जा रहा है, इस तरह से विश्वास कम हो रहा है, और यहां पे विश्वास बहुत ज्यादा युवाओं का हो रहा है, बिहार के युवाओं का भी, अदर स्टेट के युवाओं का भी, कि यहां पे वैकेंसी लगातार कंडक्ट करवाया जा रहा है, तैयारी करने में मजा भी आता है और बहुत सारे लोग इस भीड़ में शामिल भी हो रहे हैं। आप लड़कियों में भी देखिएगा बहुत ज्यादा भीड़ जो है इस चीज में आ रहा है दरोगा की तैयारी करने के लिए, लड़कों में भी बहुत बड़ा संघर्ष, मतलब आप देख रहे हैं कट ऑफ भी हाई जा रहा है यहां पर, तो ये किस कारण से हो रहा है, इसकी मतलब जो रेगुलरिटी है ना इस जॉब की, इस कारण से यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा आना चाह रहे हैं, तो इसलिए युवाओं की पसंद भी बनते जा रहा है। और यहाँ पे तो हम कह सकते हैं 12th के बाद ही लोग ये चाह रहे हैं कि हम भी दरोगा का तैयारी करेंगे, और इसलिए भी ऐसा होता है ना कि आप देखते होंगे अगर आप गांव कस्बे से बिलोंग करते होंगे तो वहां पे कोई भी लड़का, मतलब छोटा ही लड़का है, 10th में, 12th में, 11th में है, तो आप गौर करते होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा उसका हाइट वेट अगर अच्छा है, दौड़ने में अगर अच्छा है, तो वहाँ पे बोला जाता है कि नहीं, इस लड़का का तो पुलिस में एकदम कंफर्म होना है, मतलब वहाँ के बूढ़े बुजुर्ग के द्वारा बोला जाता है कि पुलिस में तो इसका आसानी से हो जाएगा, कुछ करना भी इसको नहीं पड़ेगा, पुलिस में हो जाएगा। तो वहाँ पे उस लड़का को होता है कि अच्छा, आसानी से मेरा सरकारी जॉब हो जाएगा, पुलिस में हो जाएगा, तो हम दौड़ना चालू करते हैं, पढ़ना चालू करते हैं, मेरा पुलिस में तो हो ही जाएगा, तो वहाँ से भी एक इच्छा शक्ति बनती है। उसके बाद एक चीज़ और होता है कि इस लड़के का भी शुरू से जुनून होता है कि हम पुलिस में जाएंगे, मेरा जज्बा है, मतलब मेरा ये जुनून है कि हम पुलिस में जाएं और देश की सेवा, राज्य की सेवा जो है पुलिस रहते हुए हम कर सकते हैं। तो पुलिस का मतलब बिहार दरोगा का बात कर रहे हैं या कोई, पुलिस का मतलब होता है पुलिस कांस्टेबल से लेकर के आप एसपी डीएसपी कहीं भी बात कर रहे हैं वो पुलिस में ही आता है, तो खास करके हम दरोगा के रूप में बात कर रहे हैं। तो ये भी होता है कि आप तो आसानी से बन सकते हैं, आपका हाइट अच्छा है, आप दौड़ते अच्छा है, आप पढ़ते भी थोड़ा ठीक है, तो आपको पुलिस में तो आराम से हो जाना है बिल्कुल आसानी से, एसएससी में होना हो, एनटीपीसी ग्रुप डी में होना हो, लेकिन पुलिस में तो हो जाएगा। लेकिन वो करने वाले को ही पता चलता है, सब कुछ अच्छा होते हुए भी मेरिट लिस्ट नहीं बन पाता है, तब समझ में आता है कि पता नहीं कहने वाले कहाँ गए और करने वाले को तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये चीज़ हो जाता है। लेकिन आप लोग को तैयारी करना है, आप संघर्ष करते रहना है, जहां से भी हैं, जिस भी स्टेट में हैं, जिस भी लेवल से आप तैयारी करना चाहते हैं वहां से शुरुआत कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फॉर्म है ये, तो हम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग का पहला डाउट जो कि 12th पास वालों को था, और भी हम बताते हैं आगे क्या आप लोग को करना है, कैसे पढ़ना है, समझते चलिएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि बीए, बीकॉम और बीएससी करने वाले क्या करें, मतलब हम बैचलर डिग्री ले लिए हैं, ग्रेजुएशन हम पास कर लिए हैं या हम ग्रेजुएशन में हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो आप तो बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, अब इस
फॉर्म को भरने के लिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, तैयारी में पार्ट टू में है, पार्ट थर्ड में है, पार्ट वन में है, तब भी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अगले फॉर्म जो आने वाले हैं उसको आप भर सकते हैं, या आप अगर पास कर चुके हैं, फॉर्म भर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग को तो बहुत ही डेडिकेटेड होकर ये सिलेबस को समझना चाहिए। और भी जितने पॉइंट, जितने भी वीडियोज मेरे चैनल पर डाले गए हैं, उन सभी को आपको देखना चाहिए, जो कि हम लिंक अंत में आपको देने वाले हैं। तो बीएससी बीकॉम और बीए करने वाले बहुत सारे का ये भी कंफ्यूजन होता है कि हम तो बीएससी किए हैं, हम बीकॉम किए हैं, हम तो बीए किए हैं, और उसमें हम बहुत सारा क्लास वगैरह किए हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बिहार बोर्ड से अगर करते हैं, यूनिवर्सिटी से भी करते हैं, तो उनको क्लास करना पड़ जाता है। बहुत सारे कॉलेज में ऐसा व्यवस्था होता है कि आपको क्लास करना पड़ेगा बीए का, बीएससी का, बीकॉम का, तो वो क्लास के चलते 3 साल बर्बाद कर देते हैं वहाँ पे। उससे फायदा कुछ भी आपको नहीं होना है अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का, तब ये हम बात तो बोलना चाहते हैं आपको। थोड़ा सा ही फायदा नहीं होना है, थोड़ा सा फायदा आपको तब होगा जब आप आर्ट्स लेते हैं, वहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स वहाँ पे ऑनर्स रखते हैं, तब कुछ फायदा हो सकता है आपको। लेकिन फायदा उसी को होता है जो डेडिकेटेड रूप से इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ता है और यहाँ बेहतरीन तैयारी करता है। बहुत ही आसान सिलेबस है, कोई हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए और इसको करना चाहिए, तब आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ डिग्री लीजिए, वहाँ के बाद उसी समय से आप जीके जीएस पे पकड़ बनाना शुरू करिए। जो इसका सिलेबस है जीके जीएस का वो हम बता चुके हैं, तो उस पर पकड़ बनाना शुरू करिए, तब आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप लोग को थोड़ा सा सोचना नहीं है, अगर फॉर्म भर दिए तब क्या करें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यू बॉय एंड गर्ल, मतलब कि जो नए छात्र छात्राएं हैं, जो कि सब कर लिए हैं बीएससी बीकॉम सब करके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तैयारी करना कैसे करना है, क्या करना है, कितना दिन पढ़ना होगा, कैसे करके हम बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, तो ये कोई हलवा तो है नहीं कि आपको मतलब बता दें हम अभी कि ये पढ़ लीजिए और आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा और बड़े लेवल पर मेहनत करना पड़ेगा, मतलब कि जो और सभी लोग नहीं कर पा रहे हैं। कंपटीशन क्या है कि जो और कोई नहीं कर पा रहा है वो आपको करना पड़ेगा, तब आप उसमें सफल हो जाएंगे। तो आपको यही सिलेबस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही डीपली जाके पढ़ना पड़ेगा, जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। चलिए, ये तीनों पॉइंट था, जो क्वेश्चन था आप लोग का वो हम क्लियर किए, और भी आगे धीरे धीरे क्लियर होते चलेगा, ठीक है। अब चलिए हम एग्जाम का बात करते हैं कि एग्जाम जो है किस आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। तो आप देखेंगे इस एग्जाम को जो है बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम को है वो बीपीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। बीपीएसएससी क्या है, तो ये बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन का इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना जो थी 2016 में हुई थी, मतलब आज से 5 साल पहले इसका स्थापना किया गया था मार्च में, उसी के द्वारा आपका ये एग्जाम को लिया जाता है। यही एग्जाम को नहीं, मतलब इस रूप में कह सकते हैं बिहार का जो भी मतलब ग्रुप सी लेवल का जो एग्जाम होता है वो यही कंडक्ट करवाता है। दरोगा का हो गया, ईएसआई का हो गया, फॉरेस्टर का हो गया, बहुत सारे एग्जाम जो ये कंडक्ट करवाता है बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन, ठीक है, जिसका हिंदी में नाम होता है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। तो आप लोग का जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा वो यही आयोग करवाएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, मतलब कि इसमें बैचलर डिग्री आपको चाहिए, आप स्नातक किए हों, आप ग्रेजुएशन कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन अगर कर रखे हैं, आप सिर्फ पास हैं, थर्ड डिवीजन से भी आप अगर पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी अपने सिलेबस के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आप अगर बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, बीटेक किए हैं, कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री है फिर भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और इससे कोई भी कम्बिनेशन नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि कोई बीएससी किया है वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेगा इसमें जा करके, बीकॉम किया है, बीए किया है वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तैयारी मतलब ऐसा भी होता है ना कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ डिग्री लिया है ग्रेजुएशन का, वो भी लोग बहुत सारे लोग दरोगा बनते हैं, क्योंकि वो ये फॉलो नहीं करते हैं कि यहाँ पे क्या था, वो ये फॉलो करते हैं कि मेंस में क्या पूछा गया है, पीटी में क्या पूछा जाता है, बस हमको ये कवर कर लेना, उसके बाद सारा चीज कवर हो जाएगा, जो भी वहां पे आसानी से लग जाएगा, ये चीज कवर करना बस डिग्री के लिए जरूरत है, बस आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ये करके, ठीक है। ये चीज समझना, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फायदा होगा नहीं होगा, कोई फायदा आपको नहीं होना, थोड़ा सा फायदा आपको आर्ट्स में होगा जो हम बता दिए, ठीक है। आप देखिए एनी स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कहीं से भी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि बिहार के ही गवर्नमेंट से, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट से आप, अगर आपके पास स्नातक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के भी हैं तब भी। एज लिमिट का बात कर ले कि उम्र इसमें कितना पूछा जाता है, कितना उम्र तक लोग इसमें अप्लाई करते हैं, तो उम्र का तो कोई टेंशन ही नहीं है, और जो भी आईएससी में है तो उसको अभी सोचना नहीं, आराम से तैयारी करते रहना, क्योंकि 20 साल के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप 18 में ग्रेजुएशन कर भी लिए फिर भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, 20 साल मिनिमम एज होता है और मैक्सिमम 37 रखे हैं जनरल का लेकर के रखे हैं, ओबीसी एससी एसटी का बदलाव होता है, 2 साल 4 साल उसमें अंतर हो जाता है, छूट मिलता है, ठीक है, 42 तक जाता है अंतिम रूप से। तो ये आप कह सकते हैं इसमें एज जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, और जॉब की अपेक्षा
एज बहुत ही अच्छा दिया गया है, 20 से लेकर के 37 तक के लोग इसमें भरते हैं। और आप देखेंगे कि बहुत सारे आपसे बड़े बड़े लोग भी इस एग्जाम को देते हैं और वो अंतिम रूप में भी क्वालिफाई करते हैं, मतलब 36 साल एज हो गया है वहां भी वो क्वालिफाई कर लेते हैं। तो क्या दिक्कत है, ले लिए नौकरी, यही बहुत बड़ी बात होती है। तो 20 से लेकर के 37 में, लेकिन आपको करना क्या है कि 20 हुआ, ग्रेजुएशन हुआ और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस जॉब को निकाल लीजिए, ये तैयारी आपको करना चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट वाले जनरल कैटेगरी से भरते हैं, मतलब कि जितने भी अदर स्टेट के लोग भरेंगे, जैसे बिहार से अदर स्टेट के हैं, झारखंड के हैं, बगल यूपी के हैं, उसके बाद उड़ीसा के हैं, तो ये सब लोग जो भरते हैं इस फॉर्म को, तो ये जनरल के रूप में ही भरते हैं इस फॉर्म को, आप लोग जानते भी होंगे, जिनको 10% आरक्षण भी मिलता है जो कि सीट पे मिलता है। तो जनरल के रूप में आप लोग भरेगा, चाहे कोई भी कास्ट है आप लोग अदर स्टेट के हैं, तब अगर अपने स्टेट बिहार के हैं तब तो आप ओबीसी जनरल एससी एसटी के रूप में भरते हैं इस फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में, इसका एग्जाम सिलेबस क्या होता है, किस तरह से जो हम इस फॉर्म को भरने के बाद, अब क्या हुआ कि यहाँ तक आपने फॉर्म को भर लिया, अच्छे से भर लिया, उसके बाद आपका जो एग्जाम होना है, सबसे पहले एडमिट कार्ड जारी होगा, उसका जो एग्जाम सिलेबस क्या होता है इसमें, तो सबसे पहले पीटी का एग्जाम होता है, फर्स्ट एग्जाम होता है, पहला एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स बोलते हैं। तो पहला एग्जाम जो होता है इसका, वो 100 क्वेश्चन का आपका पूछा जाता है, मतलब 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे जीके पूछा जाता है, अगर हम जीके में बात करें तो हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटी होता है, इकोनॉमिक्स होता है, साइंस के पोर्शन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है और करेंट अफेयर्स साथ में पूछा जाता है, जो कि आप लोग देखेंगे अब जीके जीएस हो गया और करेंट अफेयर्स, इतने टॉपिक जो है आपको सिलेबस के तौर पे बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जॉब की अपेक्षा आप देखेंगे एसएससी में जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ जीके जीएस में सिर्फ इतना तो एक पोर्शन में कवर करना होगा, फिर इंग्लिश अलग, मैथ अलग, रीजनिंग अलग, ये चारों अलग होते हैं, बस यहाँ पे आपको जीके और जीएस कवर करने हैं, करेंट अफेयर्स उतना भी टफ क्वेश्चन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत ही अच्छे से एग्जाम लिया जाता है, क्वेश्चन लेवल में होते हैं, कह सकते हैं कि बिहार पुलिस से अच्छा क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा का देखा गया हमेशा से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि ये 2 घंटा का समय आपको दिया जाता है, समय भी काफ़ी पर्याप्त होता है आप लोग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है, वहीं पे आपको क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद आप देखेंगे निगेटिव मार्किंग इसमें 0.2 होता है, मतलब ना के बराबर निगेटिव मार्किंग, निगेटिव आपको लेना है, अगर आप निगेटिव नहीं ले रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, मतलब 100 में से 100 क्वेश्चन आपको रन करके आने हैं, क्योंकि निगेटिव बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, मतलब अदर जॉब की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम इसमें निगेटिव देखा जाता है, 0.2 है, ठीक है। कट ऑफ का अगर हम बात करें तो इस साल की अपेक्षा, क्योंकि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो 2021 में बनाया जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2021 में ही सिर्फ वीडियो एक्सपायर कर देगा, आप इस वीडियो को 2022, 2023, 2024 में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सिलेबस यही रहने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, और लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे कट ऑफ में हो सकता है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो अभी के वर्तमान जो कट ऑफ है हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं तो अराउंड 70 इसका कट ऑफ जाता है लगभग, इस बार तो बहुत ज़्यादा गया कट ऑफ, बहुत ज़्यादा पार कर गया, ठीक है। ऐसे इसका कट ऑफ जो देखा जाता था वो लगभग 60 के लगभग में ही देखा जाता था, 60 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, इस तरह से, लेकिन इस बार जो है 66 चल गया था कट ऑफ, हाई चल गया था, लेकिन हम लेकर के चल रहे हैं 70, जो कि मैक्सिमम हम बहुत ज़्यादा कर दिए, इतना नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये लेकर के चलना है कि 70 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं किसी भी हालत में, तब जाके हमें ये फॉर्म को, मतलब ये पीटी का एग्जाम आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये लेकर के आप चलिए, 70 क्वेश्चन हमारे एकदम सही होने चाहिए उस एग्जाम में, निगेटिव सब जोड़ करके, ठीक है। ये हो गया, तो 200 नंबर का आपका ये एग्जाम होता है पीटी का एग्जाम, जिसको मैं आपको सिलेबस भी बता दिए, और इसी सिलेबस को हम और डिटेल में बताए हुए हैं, जिसका हम लिंक अंत में देने वाले हैं, वो सभी वीडियोज को आपको देखना जाकर के, अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी आज से शुरू करना चाहते हैं तब, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करें कि अगर आप इसमें पास कर गए, ठीक है, आप इसमें क्या हुआ कि इसका रिजल्ट आया, आपने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और इसमें पास हो गए, तो अब आपको क्या होगा कि कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आएगा, सेकेंड एग्जाम के लिए मेंस का एग्जाम होता है इसका, मेंस का एग्जाम जो होता है ये भी 200 नंबर का होता है। तो यहाँ पे देखें कि मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर होगा हिंदी के लिए, क्योंकि ये दरोगा का जो जॉब है ना, इसमें FIR वगैरह बहुत ज़्यादा होता है, अनुसंधान वगैरह करना पड़ता है, और सब चीज़ जो है हिंदी में ही बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, हिंदी क्वालिफाई करना है। 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है 2 घंटे का, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, 200 नंबर का, लेकिन इसमें मात्र आप 30 नंबर अगर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, वहाँ पर कोई भी आप टॉप करना आपको जरूरी नहीं है, सिर्फ 30 नंबर लाना है, 31 नंबर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, पास कर जाइए, बस कोई काम नहीं है, उतना नहीं पढ़ना है हिंदी को, बस उतना ही पढ़ना है जितना हम पास हो सकें। लेकिन इसका सेकेंड पेपर जो होता है ना, ये आपका मेरिट डिसाइड करता है, मतलब आपका जॉब जो है अंतिम रूप से इसी के ऊपर लगता है, इसका नंबर आपको कोई जुटेगा नहीं, इसमें पास नहीं करना है, इसमें आपको कट ऑफ में आना है, ठीक है, 70, लेकिन इसमें आप 30 भी ले आते हैं हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको 70
प्लस ही सोच करके चल रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ पे होता है मिनिमम, तो इसमें भी 30% है कि 30% लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, लेकिन कट ऑफ के बाद ही ऐसा होता है, कट ऑफ में अगर आएंगे तब आपका ऊपर से मतलब लिया जाता है कि जिसका ज्यादा है उसका पहले होता है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं 70+ आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हिंदी में आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, और मेंस का जो पेपर होता है यहाँ भी जो देखेंगे आप सिलेबस जीके जीएस का होता है, जो कि आप यहाँ पे देखें लगभग सेम क्वेश्चन आते हैं, उतना हार्ड को नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा डीप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आप पढ़िएगा, जब आप पीटी निकाल चुके हैं तो और डीप में आप पढ़ने का प्रयास करिएगा ही। और इसमें जो है 20 नंबर में मैथ और रीजनिंग को ऐड किया था, देखेंगे आप 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, 200 नंबर का 2 आवर का समय इसके लिए भी मिलेगा, और ये दोनों पेपर एक ही दिन आपका होगा, मतलब एक ही दिन आपके 2 घंटे की हिंदी भी लिए जाएंगे और एक ही दिन में आपका 2 घंटा का जो है जीके जीएस मैथ रीजनिंग भी लिया जाएगा, जिसमें से जीके जीएस देखेंगे आप 80 नंबर का होगा, उसके बाद मैथ रीजनिंग 20 नंबर में मिला करके पूछा जाता है, ठीक है, 20 नंबर में ही मैथ रीजनिंग मिला करके पूछा जाता है। तो ये चीज़ आप देखिएगा कि ये दोनों में क्या है आपका हार्ड, तो ये मेरिट आपका बनाएगा ये सेकेंड पेपर जिसमें ये पूछा जाएगा, इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा तब आपका मेरिट बन पाएगा, अगर मेरिट नहीं बनता है तो आपका जिम्मेवार सिर्फ ये पेपर होगा सेकेंड पेपर, जो कि मेंस का पेपर है, ठीक है, पीटी सिर्फ आपका क्वालिफाई करा के मेंस में भेजेगा, और मेंस में अगर सेकेंड पेपर में आप अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, इसमें तो पास करना जरूरी है 30 नंबर, लेकिन इसमें स्कोर करते हैं तब आपका आगे चल के फिजिकल होना है, फिजिकल में देखेंगे क्या होता है, तो सिलेबस जो आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं उसका हम लिंक देंगे, उसको देखिएगा जरूर आप लोग, बहुत ही डिटेल से बताया गया है, और भी बहुत सारे वीडियोज इस पर आने वाले हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो यहाँ पे एंड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए बीपीएससी के लिए भी हम लाएंगे, दरोगा के लिए भी लाएंगे, पुलिस के लिए भी लाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, सब तरह का वीडियो हम लाने वाले हैं, जो भी आप लोग का कमेंट होगा करिएगा हम बताएंगे। फिजिकल में आप लोग देखिएगा इसमें क्या होता है कि दौड़ होता है, गोला फेंक होता है, ऊंची कूद होता है, लंबी कूद मतलब कि रनिंग होगा आपका, शॉर्ट पुट होगा, उसके बाद हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब इसमें होता है, जो कि आप देख सकते हैं, ये सब का सर्च मार लीजिएगा देख लीजिएगा, उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखेंगे 1600 मीटर का दौड़ होता है लड़कों का, 6.5 मिनट में ये किया है, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है कि 6.5 मिनट दे दिया है, पहले ये 6 मिनट था, 6.5 देने के बाद क्या हुआ पता है कि बहुत सारे लोग जो पढ़ने वाले थे वो दौड़ नहीं पाते थे जब 6 मिनट था, तब 6.5 होने के कारण और भी कंपटीशन टफ हो गया है कि जो नहीं भी दौड़ पाते थे वो भी दौड़ के अब मेरिट पे यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे कंपटीशन को हार्ड कर रहे हैं, तो ये भी चीज़ को हार्ड बना रहा है बिहार दौड़ को, और धीरे धीरे ये चीज़ और भी हार्ड होने वाला है, तो आप लोग तैयारी भी उसी दिशा में करना चाहिए, ठीक है, कट ऑफ को देख करके, कट ऑफ दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है इसका, तो दौड़ में आप लोग को मेहनत थोड़ा अभी से नहीं करना है, वो मेंस के बाद आप लोग को करना है, दौड़ उतना हार्ड नहीं होता, बहुत ही ईजी दौड़ होता है, गोला फेंक जो होता है वो 16 फीट का होता है, ऊंची कूद 4 फीट, लंबी कूद, तो ये सब जो है नॉर्मल आप देख भी सकते हैं सर्च करके, तो इतना जो प्रक्रिया आप लोग को फिजिकल में देखने के लिए मिलता है बिहार दौड़ का, उसी समय आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी किया जाता है, मतलब आधार कार्ड आपका सही है कि नहीं, नाम वगैरह सही है कि नहीं, सर्टिफिकेट में आप लोग का सही है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग का मेडिकल होता है, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है, मतलब सबसे आसान मेडिकल अगर कह सकते हैं तो स्टेट पुलिस का होता है, सेंट्रल पुलिस का अगर हम बात करें तो बहुत ही हार्ड मेडिकल होता है, आर्मी का अगर बात करें, सीआरपीएफ बीएसएफ बहुत ही हार्ड, लेकिन इसका जो होता है स्टेट का, पुलिस में भी आप देखेंगे, दरोगा में देखेंगे, बहुत सारे चीज़ को मतलब नेगलेक्ट करके वहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाता है मेडिकल में, तो ये भी आपके लिए सोचना नहीं है मेडिकल के लिए, अगर आप अंदरूनी थोड़ा सा फिट हैं, दौड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपका हाइट अच्छा, हाइट वगैरह मिला लीजिएगा, नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइट इसमें जो मांगता है 1.65 मांगता है शायद लड़कों का, और लड़की का 1.55, तो इससे अगर कम है तो आप तैयारी नहीं कर पाइएगा इसका, लेकिन इससे आप बहुत सारे लोग अधिक ही होते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट का आपको इंतजार होता है, और ये मेरिट लिस्ट किससे कंपेयर होगा, तो यहाँ यही आपका मेरिट लिस्ट बनाएगा, इसमें जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा ऊपर से लिया जाता है। अब बताइए कि 100-200 नंबर का एग्जाम हुआ है, किसी का 199 नंबर है, तो सबसे पहले उसको चुन लेगा, 180 है दूसरा उसको चुन लेगा, 175 है उसको चुन लेगा, और अंतिम रूप से अगर मतलब उसको जितना सीट लेना है 2000 अगर वैकेंसी निकला है तो अंतिम रूप से जितना उसका लेना है, माने कि 100 नंबर तक आ रहा है तो 100 नंबर से ऊपर के जितने छात्र हैं सब चुना जाएंगे, अगर आप 99 लाए हैं तो आपका नहीं होगा, जबकि यहाँ क्वालिफाइंग तो 30 ही लिखा था, फिर भी नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ में आप नहीं आ पाए, ठीक है। तो इस तरीका से होता है, ऊपर से लिया जाता है सीट फुल, जहाँ पे जाके हो जाता है वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया जाता है, अब वो कट ऑफ जितना भी हाई चल जाए, अगर 188 वाले हैं उसको पूरे मिल जाए, मतलब 200 में 200 ही सब ले आए हैं ऊपर से, तो वो उसी को लेगा, 199 वाले छंट जाएंगे, ऐसा भी होता है, तो कट ऑफ का मतलब ही तो यही होता है। तो ये चीज़ भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट भी आपका बना दिए, चलिए मेरिट लिस्ट भी आपका बन गया, बहुत ही खुश हो गए आप लोग, बहुत ही ज़्यादा खुशी, मिठाई भी खिलाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद आप लोग को ज्वाइन लेटर आएगा, ज्वाइनिंग लेटर, उसमें आपको कहा जाएगा ट्रेनिंग में आना है, ट्रेनिंग इसका 24 महीने का होता है, 2 साल का लगभग ट्रेनिंग होता है, और 2 तरीकों में ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रकार से बांट करके ट्रेनिंग बहुत ही अच्छे से करवाया जाता है, जो कि राजगीर में होता है,
बहुत ही फेमस भी जगह है, आप लोग को पता भी होगा, आप लोग वीडियो वगैरह में देखे भी होंगे। तो ट्रेनिंग का आप लोग को जब नौबत आता है, मतलब मौका मिलता है ट्रेनिंग का इस बिहार दवा के जॉब के लिए, तो बहुत ही अच्छे से इसमें ट्रेनिंग कराया जाता है। बहुत सारे चीज़ें तो आपको ट्रेनिंग में ही सिखा दी जाती है दरोगा का, ठीक है। ये हो गया, अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इसमें पैसा हमको कितना मिलता है, कितना ग्रेड पे होता है इसका, कितना मतलब हमें कमाई हो सकता है इस जॉब को लेने के बाद। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये जॉब है ऑफिसर ग्रेड का जॉब है। अगर सबसे छोटा ऑफिसर का हम बात कर लें, ऑफिसर में भी मतलब लेवल होता है, तो सबसे नीचे लेवल का अगर ऑफिसर का बात कर लें तो दरोगा ही माना जाता है, यहीं से ऑफिसर का शुरुआत होता है। तो निचले स्तर का ऑफिसर दरोगा, फिर उसके बाद जितना पोस्ट बढ़ते जाता है वो होता है। तो ये हो गया 4200 ग्रेड पे इसका होता है, और काफी अच्छा ऑफिसर का मतलब ग्रेड पे है। 4200 ग्रेड पे से आपका वेतन शुरुआत ही होता है, 6 पे पे चलता है, देखेंगे आप यहाँ पे ऑफिसर का है। उसके बाद आपका ड्यूटी तो बिहार में ही मिलना है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बिहार का जॉब है। फिर देखेंगे आप लोग ट्रेनिंग में आपको कितना पैसा मिलता है, तो लगभग 42,000 से शुरुआत होता है आप लोग का ट्रेनिंग में। देख लीजिए कि 42,000 रुपया सिर्फ ट्रेनिंग में सब जोड़ करके, जितना भी मतलब भत्ता वगैरह होता है अलाउंस वगैरह जोड़ करके, डीए हो गया आपका, उसके बाद महंगाई भत्ता हो गया उसका, उसके बाद मेडिकल जो चार्ज होता है उसको लेकर के, उसके बाद राशन चार्ज हो गया उसको लेकर के, सब जोड़ करके आपको लगभग 42,000 रुपया ट्रेनिंग पीरियड में दिया था, जो कि 7th पे के अनुसार दिया जाता है। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लगभग 2 साल के बाद आप लोग का वेतन जो है लगभग 49,000, या रखिए इसको अराउंड 50,000 के लगभग में आप लोग का वेतन हो जाता है सब कुछ जोड़ करके। वो जगह पर भी डिपेंड करता है कि आपको कहाँ दिया गया है, उस अनुसार से मतलब डीए भी चेंज होता जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए, इसका बेसिक पे जो होता है वो 35,400 होता है। बेसिक पे कहने का अर्थ होता है कि ओरिजिनल वेतन जो होता है ना किसी भी जॉब का, वो बेसिक पे से निर्धारित किया जाता है। किसी भी जॉब का आप पूछिएगा, जो भी सरकारी जॉब कर रहे होंगे उनसे पूछिएगा कि आपका बेसिक पे क्या है बताइए, तो वो बताएंगे कम बताएंगे, ऐसे पूरा सैलरी पूछिएगा तो वो ज्यादा बताएंगे, क्योंकि बेसिक पे जो होता है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्योर इनकम जो कि पर्सनल जॉब के लिए आपको दिया जा रहा है वो है 35,400 दरोगा के लिए। उसके बाद इसमें भत्ता वगैरह जोड़ करके आपका 42,000 पहुंचता है, 49,000 पहुंचता है ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। ये चीज होता है, तो बेसिक पे कितना हो गया 35,400। तो ये सभी जानकारियां जो थी आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो है जॉब बहुत ही बेहतरीन है, और बहुत लोग इसको मतलब बहुत सारी चीज नहीं जानते हैं, उसके बाद तैयारी करना शुरू कर देते हैं और फेल करते हैं, मतलब 2-3 साल के बाद ये सभी चीज़ जानते हैं, तो उनको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो सबसे पहले आप जिस भी चीज़ का तैयारी करिए उसका फोकस रूप से तैयारी करिए, और सिंगल रूप से उसी का तैयारी करिए, तब जा करके आपका निकलता है। और उसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी को सब कहीं से भी, बुक से या किसी आदमी से या कहीं यूट्यूब से कहीं और से भी, जहाँ से भी आप स्रोत है आपका वहाँ से प्राप्त करिए, तब उसका तैयारी करना शुरू करिए, तब आपको ज़्यादा मजा आता है। क्योंकि आपको इसमें जीवन व्यतीत करना है, ऐसा नहीं कि खेल करना है, हमें निकाल के नहीं करना है, किसी भी जॉब को निकाल के नहीं करना है, आपको जीवन यहाँ गुजारना है। तो इसके बारे में आपको सब चीज़ पता होना चाहिए कि आपका जीवन कहाँ गुजरने वाला है, ठीक है। ये इस पर तो आपको पूरा ध्यान होना चाहिए कि मतलब सेकेंड पेपर में आपका ये 20 नंबर में मैथ रीजनिंग को भी हम कवर करवाएंगे, मतलब बताएंगे कैसे कवर करना है, और GK GS वाले पोर्शन को तो हम आसानी से आपको बता देंगे और कवर भी करवा देंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ जो था आप लोग को उम्मीद है बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अभी भी आपके मन में अगर कोई डाउट है इस एग्जाम को लेकर के, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए, उस कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, और नहीं होगा तो बहुत सारा कमेंट एक टॉपिक पे अगर आ जाएगा तो उस पर हम वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। अगर इससे पहले आप लोग मेरा टॉपिक नहीं देखे हैं, मेरा वीडियो नहीं देखे हैं बिहार दरोगा पर जो हम बना चुके हैं, सिलेबस का है, स्ट्रेटजी का है, जो भी है और भी आगे आने वाला है, तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा ऑल एग्जाम रिलेटेड, यहाँ पे आपको सभी एग्जाम संबंधित वीडियोज मिल जाएंगे। इसमें से आपको जो देखना है यहाँ पे आप जाकर सेलेक्ट करके देखिए, बिहार दरोगा का बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक आते हैं, सब चीज आपको इसमें मिल जाना, ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, या आप मेरे चैनल के, इस चैनल को जो आप देख रहे हैं इसके प्लेलिस्ट में भी जाके आप सब चीज को चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बिहार दरोगा का जितना भी चीज कवर कराया जा रहा है उसको हम फायदा उठाते रहें, तो आपको इस वीडियो को ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दिए अगर आपको इससे लाभ हुआ है। तब फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।